दोस्तों संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1957 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी माँ सईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों में जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध हारा नहीं। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। जब संभाजी को पता चल गया इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए बड़ा झटका था। इधर पुर्तगाली भी संभाजी के दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। 1687 में बाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र अंबिराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुनकर टूट गए। धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर कुछ रिश्तेदार ने भी उन्हें धोखा दिया। इसके बाद 1699 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। यहाँ उसने संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने को कहा, मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके। उनकी कैद में ही मर गए। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।